भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा जनपद में सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाली ताकतें सौहार्दपूर्ण फिजा को बिगाड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं। अभी हाल ही में नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में दो मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़ने का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उस घटना को चंद रोज ही हुए थे कि अब गोवर्धन में चार युवकों द्वारा बरसाना रोड स्थित ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आ गया। कस्बा गोवर्धन के ही रहने वाले चार युवक सौरभ लंबरदार, राघव मित्तल, कान्हा ठाकुर और कृष्णा ठाकुर ईदगाह परिसर में पहुंचे और हनुमान चालीसा पढ़कर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई, पुलिस प्रशासन फौरन हरकत में आ गया और चारों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मथुरा जनपद हिंदू मुस्लिम सौहार्द के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, ऐसे में किसी भी समुदाय के व्यक्तियों को अमन की फिजा को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। आपका नेक मोहम्मद। अच्छा, आज क्या घटना घटी, क्या हुआ था? आज घटना मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ाने लगा, मुझे पता नहीं कुछ क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, देखने को मिला है कोई हनुमान चालीसा का मस्जिद में जो है आज पाठ किया गया है? मुझे मालूम नहीं। आपको पता नहीं है ना? बाद में पता चला, बाद में पता चला क्या हुआ क्या ना हुआ। अच्छा, एक बात था, क्या मानते हैं आप इस तरह की, अगर उसको क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से अगर कोई बात बनती है? अभी कुछ दिन पहले भी के बच्चे कर गए क्या है, क्या कर जाए। अभी ईदगाह में एक मामला आया है हनुमान चालीसा पढ़ने का। देखिए, मैं केवल इस प्रकरण में इतना कहना चाहूंगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। उसके लिए मैं और SSP साहब दोनों लोग इस मत के हैं कि कानून का सभी लोग सम्मान करेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर गैर कानूनी काम करता है तो उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी विधिक रूप में वो अमल में लाई जाएगी। सर, ये हनुमान चालीसा का जो मामला है इसमें क्या कार्रवाई? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जनपद मथुरा का पुलिस और प्रशासन पूरा मुस्तैद है। हर प्रकार से हमारे द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर माहौल खराब करने का, अराजकता फैलाने का या किसी धार्मिक स्थान की मर्यादा को भंग करने का अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा और वो संज्ञान में आएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि जनपद मथुरा में प्रशासन और पुलिस का इसमें सहयोग प्रदान करें ताकि जो हमेशा से अच्छा सांप्रदायिक माहौल यहाँ पे सौहार्द बना रहा है उसमें सभी लोग सहयोग करें और कोई भी समस्या ना। हमारे धर्मस्थली नगरी में जब मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है तो हम हमारा हक नहीं बनता है भाईचारा बढ़ाने के लिए हम भी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ सके। किस मंदिर में पढ़ी हुई है? जब नंद बाबा के मंदिर में पढ़ी गई थी धर्मस्थली नगरी में, तो हमने भी जाकर के ईदगाह में और अपने मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया था और हमारा कोई जुर्म नहीं। जय श्री राम।